तो आज की इस वीडियो में मैं एंडर ड्रैगन को मारने वाला हूँ फाइनली, एंड एंड सिटी में जाकर इलाइट्रा को भी लाने वाला हूँ अपने घर के लिए मस्त सा एरिया फ्लैट कर अपने लिए आयरन फार्म और ऑल मॉ फार्म भी बनाने वाला हूँ, एंड एट द एंड अपने लिए पेरिसी बिल्ली भी टेम करने वाला हूँ। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे इस वीडियो को बनाने में अराउंड 10 से 12 घंटों का टाइम लगा, बट तुम लोगों को सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगा इस वीडियो को लाइक करने में एंड कॉमेंट करने में, तो प्लीज़ कर देना। तो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि मैंने फुल्ली एंड के लिए प्रिपरेशन कर ली थी हर एक चीज़। बताया वैसे मैं एक गलती करने वाला था, मैं अपने चेस्ट प्लेट पे आर्मर ट्रिम लगाने वाला था बट वो काफ़ी घट गया था। फिर मेरे को याद हुआ कि भाई नहीं, एक बार लग गया तो हटा सकते नहीं है शायद वो भी, बट खैर एनीवे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज एंडर ड्रैगन की अम्मा बहन करने वाले हैं। मैं फुल्ली रेडी हूँ, लास्ट वीडियो में पूरा रेडी हो चुका था, अब बस मेरे को जाना है। बट उससे पहले मेरे को एक चीज़ याद आई है, मेरे को अपना बो इंचेंट करना है। वैसे मैं ये चेस्ट प्लेट पहन के जाने वाला हूँ, डायमंड की चेस्ट प्लेट से मैंने बना लिया, से इतना भी काफ़ी होगा भाई, मेरे को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है एंडर ड्रैगन को मारने का। मेरी बुक इधर है, ये वाला मैं आई ट्रिम था, मेरे को शायद जंगल टेम्पल से मिला था, काफ़ी घटिया था ये। वैसे पहले भी हम लोग अपने बुक को इंचेंट करने लैपिस लाजुली किधर का, ये रहा वो का ज़रूरत हो तो सकता है भाई एंड में ऑब्वियसली क्रिस्टल फोर, मत मैंने तो सोचा है कि यार ये अच्छा मिलने नहीं वाला मेरे को भी एक बार में, मेरे को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें अपना टाइम। लेवल 3 कर लूँगा तो मेरे को मे बी अनब्रेकिंग 3 के साथ मिल सकता है, बट नहीं मैं इसको घटिया वाला लूँगा, फिर वापस से मैं इसको डिसइंचेंट करके वापस से मैं इसको इंचेंट करूँगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाता है। अच्छा मेरे को फिर से नहीं मिला, अबे साले वापस इसको लो, वापस इसको मेरे को डिसइंचेंट करना पड़ेगा, वापस से इंचेंट करना पड़ेगा भाई। बस मेरे को बस पावर 4 चाहिए, फ्लेम मिला है, फ्लेम नॉट बैड, फ्लेम भी अच्छा है बाय द वे, लेकिन पावर 4 ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्लेम के साथ नहीं मिला, मेरे को लगा फ्लेम के साथ पावर 4 मिल सकता है बट नहीं मिला। भाई बहन के लग रहा है गाड़ी मत चलाओ बे, वीडियो बनाने बैठता नहीं हो कि हाँ, तो वापस से करते हैं। और हाँ तुम लोग को जिसको भी वीडियो ट्रैवल सीरीज देखने अच्छा लगता है तो भाई खाना खाते बैठो, और मिल गया भाई बहन, मिल गया देखो तुम्हारा नाम मिले, मिल गया इसी बात, वीडियो को लाइक कर दो भाई, मिल गया चलो पावर 4 मिल गया, अब ना रेडी हूँ। ओके हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, यहीं कहीं पर था लास्ट टाइम जहाँ मैं गया था, हाँ यहीं पर यहीं कहीं है। ला मेरा पिछला वाला होल तो मेरे को दिख नहीं रहा जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था बुक शेल्फ लेने के लिए, बट वापस नहीं रहे, मैं डूब के मरूँगा। वापस अच्छे से एक बार हो सांस लेकर चलते हैं वापस, उसके बाद इधर से नहीं था एकदम, मेरे को डायरेक्ट नहीं जाना होगा, जल्दी जल्दी करना होगा भाई, लेट किया तो मैं गया। इधर चलते हैं, इधर से वापस तोड़ते हैं, एफिशिएंसी भाई पिक में तुरंत टूटेगी। अब इधर लगाते हैं भाई ब्लॉक, ओके अब सही फाइनली, अभी चलते हैं अंदर पहुँचते हैं फिर ढूंढते हैं। गाइस अभी मेरे साथ एक सैम हो गया, देखो मैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, ठीक है मैं इतना नूबरा नहीं हूँ, मैंने लिटरली 1 घंटा ऑलमोस्ट 40-50 मिनट स्पेंड कर लिया है, नहीं मिल रहा मेरे को, मैंने बहुत ढूंढा है। मैं समझ गया बेडरॉक में एक होता है ग्लिच जिसकी वजह से तुम्हें पोर्टल नहीं मिलता है, तो यप वर्ल्ड को कॉपी कर लिया है एंड मैं कॉपी वाले वर्ल्ड में क्रिएटिव यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है नॉर्मल में मैं कर ही नहीं सकता, उसमें मेरा सब कुछ ऑफ है, ठीक है तो मैंने कॉपी वर्ल्ड में कर लिया एंड बस मैं पोर्टल बनाऊंगा, बस मैं एंडर ड्रैगन को मार के आऊँगा बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं क्रिएटिव से, मेरे को खुद बुरा लग रहा है भाई कैसे क्यों चुतिया पा रहा है। वैसे बता ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, जब मैं और अर्न वैसे एमपी में खेल रहे थे तब भी ये हुआ था, ये ग्लिच हम लोग को मिल ही नहीं रहा था, वैसा ही वो ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसमें पोर्टल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो हम लोग वापस क्रिएटिव से ही पोर्टल निकालना पड़ा था, इसमें मुझे वही करना पड़ा है रियली सॉरी बट कुछ नहीं कर सकता मैं, मैंने सिर्फ 12 पोर्टल निकाले और कुछ नहीं निकाला। ओके अभी लेते हैं लास्ट वाला और चलते हैं अभी एंड में, लेट्स गो। मैंने सोच मैंने एक चैलेंज लिया है कि 3 से 4 मिनट के अंदर मतलब मार दूं, ऐसा कभी तो हमेशा मेरे को 10 मिनट लग ही जाते हैं, 10-15 मिनट ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट लग जाते हैं, बट ट्राई करूंगा इस बार की, क्योंकि मैं ये सीरीज को बहुत ही स्पीड से चलाता आ रहा हूँ, तो ये काम भी मैं बहुत स्पीड में करूँ तो परंपरा को थोड़ा चला चलते रहना चाहिए अच्छा खासा। ऐसे मैंने थोड़ा बहुत प्लानिंग की है, कैलकुलेशन करके आया हूँ, तो हो तो जाना चाहिए, और मेरे को माइनक्राफ्ट बेडरॉक खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जावा का तो पता नहीं, वैसे जावा की मैं वीडियोज़ देखता हूँ तो मुझे जावा का एक्सपीरियंस है, और बेडरॉक तो मैं खुद खेलता आ रहा हूँ, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बेडरॉक का। अबे माँ की नहीं बे हट जा साले भाई, मेरे पास आर्मर उतना अच्छा है नहीं, सिर्फ एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और कुछ नहीं है भाई मेरे पास इतना अच्छा, तो ये लोग भाई ऐसे परेशान करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा भाई, सालों हट जाओ ना, एंडर ड्रैगन से ज़्यादा बेडरॉक में तुम लोग को इससे डरना पड़ेगा भाई, बैठ जाए। इसीलिए मैं बोट बना के लाया था, लेकिन और बोट लाना भूल गया, वाटर बकेट है बट एक दो आ रहे हैं तो मैं इसी से मार देता हूँ। स्ट्रेंथ पोशन पी लिया अभी, एक ही भाई एक ही खेट में बंदे मर रहे हैं लॉल, शार्पनेस 4 और प्लस मैंने वो लगा लिया है शार्प, ये स्ट्रेंथ
भाई एक एक हिट में बंदा मर रहा है। ये अबे साले कौन मार रहा है मेरे को इतना। भाई ये लोग को पूरा झुंड आ गया है। नहीं निकाल लेते स्विफ्ट पोशन, मेरे को पीन दे और मेरे को भागने में बनेगा। लेकिन ये लोग मानने से है नहीं, मानने से नहीं रहेंगे भाई। ये पूरा झुंड लेके आ गए भाई, तीन चार। मैंने किसी के आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा भाई। कैसे ये बार बार अपने आप आ रहे हैं, बहुत ये लोग इरिटेटिंग है भाई। मेरे 2 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए, घंटा मैं रिकॉर्ड बना पाऊंगा। इन पे टाइम वेस्ट करता रह गया तो फिर हो गया भाई। अबे हटो बे, अंडर ड्रैगन चल जाएगा सालो। भाई क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, पानी डालो पहले एक तो। अबे हेलो भाई क्या है ये? अरे भाई एक तो लैग कर रहा है इतना मेरा, इतना ज़्यादा बहुत लैग कर रहा है। अब वहाँ मैसेज आ गया, देखो भाई सब मतलब सारे मिलके एक बार में ही आते हैं लेने के लिए, ये नहीं कि एक एक करके, सब एक बार में आना है। वेट उधर रहा तो मैं पक्का मरूंगा भाई साहब। शील्ड भी टूट गई भाई, अंडर ड्रैगन आने वाला है। नहीं 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 बच गया, इसको पहले हटाओ। आ गया ड्रैगन भी, आ ही गया था भाई, बच गया। मैं ज़्यादा गोल्डन एप्पल भी लेकर नहीं आया हूँ भाई, तीन ही बचे हैं। सब पहन लिया, इसकी माँ का निकल साले। भाई एंडर ड्रैगन क्रिस्टल, मैंने क्रिस्टल भी नहीं फोड़ा भाई अब तक। मैंने सोचा कि बिना क्रिस्टल फोड़े मारूंगा, बिकॉज शार्पनेस 4 की स्वॉर्ड और स्ट्रेंथ भी है। तो यप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही हिट लगेंगे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। बस ये एंडर मैन सब बीच में ना, ये लोग बीच में आ रहे हैं, मैं मेरा पूरा फोकस टूट जा रहा है। पानी किधर गया मेरा, पानी कहाँ गया? वे ओए हेलो, पानी किधर गया? आ गया। अबे फिर उड़ गया साला, एक सेकंड के लिए आता है मादर झात। और वैसे जो लोग न्यू है, आई होप तुम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो गाली से। आई नो माइनक्राफ्ट में मेनली लोग न्यू ही होते हैं, मेरे यूनिक व्यूअर्स ही होते हैं, मैक्सिमम 80% ऑफ द व्यूअर्स मेरे न्यू ही हैं। तो यार एडजस्ट कर लो भाई। वैसे मैंने अपने सेटअप पे बुद्धा का फोटो लगा, मतलब फोटो लगाया हुआ है ताकि थोड़ी शांति रहे गेम खेलते वक्त। ओके क्रिस्टल फोर ही बिना यहाँ से ट्राई, मैंने एक दो फोड़ा यहाँ से, बट मैं ऊपर जाके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी मैंने आधा मार दिया है, इसको नीचे आने दो बस। आ गया, आ गया बेटा, गया। क्रिटिकल सारा मारूंगा तो आराम से मर जाएगा ये, मरने वाला ऑलमोस्ट गया। 2 बार और नीचे जाए, आ गया आ गया। बस भाई ख़त्म है अब सर, लास्ट भाई लास्ट बचा था। नहीं 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 नहीं, इसकी थूकी हुई चीज़ आ गया। लास्ट बार बस बेटा, लास्ट बार आ जा, ख़त्म है ख़त्म है ख़त्म है। 6 मिनट लगे मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया, 6 मिनट में छेन या एटलीस्ट 10 मिनट लगेगा वापस। ये एंडरमैन की वजह से टाइम वेस्ट होता है गाइस, पर स्टिल फाइनली एंडर ड्रैगन को हमने मार दिया है। अब मिलेगी ढेर सारी एक्सपी भाई। क्या इस बार कुछ ज़्यादा ही चमका, इतना नहीं चमकता भाई नॉर्मल। और ये ऊपर नहीं गया बेड, ये माइनक्राफ्ट पी पॉकेट एडिशन में ऊपर जाता है, ऊपर जाके मरता है, बेडरॉक में नीचे ही मर गया, उतना ऊपर नहीं गया। पी और बेडरॉक में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है मेरे को पता चला। मैं पहले पी खेलता था, अभी मादर वाल लैग कर गया। ओ भाई हेलो, वो लैग कर गया मेरा कीबोर्ड। नहीं वेट, अबे शिट 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 शिट, नहीं लैग नहीं, लैग नहीं, नहीं प्लीज प्लीज लैग नहीं, लैग नहीं, लैग नहीं मादर, एक हट, लैग नहीं, नहीं 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 भाई साहब बचा। ये ऐसे लैग में ख़त्म था, अभी पक्का मरने वाला था ये एंडरमैन सब, एक नंबर के नल्ले। अभी फाइनली चलते हैं गैस, इसका रास्ता खुल गया है एंड सिटी जाने का। यहाँ से एंडर पल फेंक के चलते भाई, मेरे को लगा एंडर पल बाहर गया वॉइड में, तो ख़त्म है। लास्ट ही गोल्डन एप्पल था, ये भी गया। यहाँ से कॉरस फ्रूट लेके चलेंगे, कॉरस फ्रूट अच्छी चीज़ है भाई, मज़ा आता है इसको खाने में अलग। एक्स से टूटता है ना मेरे ख्याल से, एक्स एक्स किधर है मेरा शील्ड, पहले न्यू बना लेते हैं यार। ठीक है यहाँ एक्स उठाते हैं, ये बहुत सारा एक दो स्टैक लेके आया। बे साले तू, ये मेरे को लगता है मेरे को पहले घास्ट से सिर्फ एलर्जी, घास्ट और स्केल्टन ये दोनों से बहुत एलर्जी थी माइनक्राफ्ट में, बट अब लगता है एंडरमैन से भी होने लगी है एक्चुअली। ब्लॉक कलेक्ट करते हैं थोड़ा बहुत, चलते हैं आइलैंड के उस पार, इस आइलैंड पे तो है नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस तरफ कहीं मिल जाए एंडर पल, बस सही है ना भाई प्लीज। बच गया ये बात, क्योंकि उस तरफ बड़ा आइलैंड है, इस तरफ नहीं, उधर से आया हूँ, इस तरफ बड़ा आइलैंड है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आई होप मिल जाए, ब्लॉक्स की कमी हमारे पास ना हो जाए। ब्लॉक्स तो मेरे पास है ऑलमोस्ट है ही भाई, किनारे नहीं रहना।
उधर से तो मैं आ गया हूँ पार करके, बाकी चलते हैं आगे। ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यस आई नो भाई, पास में मिल जाता है, बस तुम्हें हर जगह चारों तरफ घूमना होता है, एक डायरेक्शन में जाओगे तो मे भी ना मिले, इसका भी ढूंढने का ट्रिक होता है भाई। अभी मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ पीने दो, शल्कर बॉक्स बहुत मारेंगे मेरे को, बस आर्मर है नहीं, सिर्फ डायमंड चेस्टप्लेट है, सब आयरन का ही आर्मर, भाई इंचेंटेड भी नहीं आयरन वाला। शल्कर बॉक्स भी मेरे को लेके जाना है, और मेन तो मेरे में लाइट रख लिया हूँ, ये भी आई गेस बस वेट शिप हो इस, अबे यार भूल गया था शुरू में ही होते हैं ये लोग। अबे टीपी भी तो कर लेते हैं, सब टीपी भाई, सब टीपी कर लो, खेलना ही नहीं हमको, टीपी कर लो सब कोई। इनका डैमेज कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा एक्चुअली, ये लोग का डैमेज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, फाइनली गया। बट यहाँ पे शिप थी, लक अच्छा है हमारा, जल्दी कूद भाई ये लोग कूद, हाँ ख़त्म ये बात। अभी चलते हैं अंदर, इलाइट्रा अंदर हम लोग को मिल जाएगा फाइनली, ड्रैगन के हेड भी हम लोग, मैं वापस आते वक्त ले लूँगा। इधर से पोशन उठाते हैं, अबे यार ये किधर से आ रहा है ऐसा उड़ते हुए, कहीं से भी आ रहा है, पोशन ले लेना मेरे को इंस्टेंट हीलिंग का दोनों, ओके डन। आई गेस ये माइनक्राफ्ट में मैं पहली बार कर रहा हूँ ये इलाइट्रा, पहले मैंने ओनली क्राफ्ट्समैन 4 में खेला है, माइनक्राफ्ट में मैं पहली बार ले रहा हूँ इलाइट्रा, लेट्स गो बेबी। अबे साले हर जगह ये है, पीछे से क्या पीछे तुम लोग के पीछे से मारते हो, ऐसे धक्का दे रहा है। फाइनली इलाइट्रा हमारे हाथ में आने वाला है, ये बात। मैं रॉकेट लेकर नहीं आया, शिट हाउ हाउ, मेरे पास 3-4 गन पाउडर थे, थोड़ा बहुत बन 10-12 बन जाता। ओ भाई साहब क्या लूट है, इधर लूट मस्त मिलती भाई, इधर जो लूट है ना यहाँ वो इस ऐसा लूट कहीं नहीं मिलेगा भाई। ओके सब कुछ लेकर आज मैं वापस निकल रहा हूँ, बस मुझे लास्ट ड्रैगन ड्रैगन एग लेना है, ये बात। इसे तो टॉर्च से कलेक्ट करना पड़ता है, जिन लोग को जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं पता होगा, इससे हाथ से हम लोग नहीं तोड़ सकते, इससे पहले नीचे जाओ एंड नीचे यहाँ पर टॉर्च लगाना पड़ेगा एंड ये हमारे अपने पास में आ जाएगा, ये बात। एंड फाइनली वी बीट द गेम, लेट्स गो भाई। माइनक्राफ्ट में तो भाई पहली बार तुम लोगों को दिख रहा होगा एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मैंने बीट किया है। ओके तो मैं ना वापस आ चुका हूँ एंड अब मेरे ख्याल से मुझे और भी बहुत कुछ बाकी है गेम में, बट अभी मैं फेमिनली मेरे को बहुत सारे फार्म्स बनाने हैं एंड साथ ही साथ मेरे को पहले लिए अपने लिए एक मस्त एरिया क्लियर करना है भाई, एरिया मस्त क्लियर करना है मुझे, तो एरिया क्लियर करूँगा। और मैं सोच रहा था कि एक आयरन फार्म बना लूँ और एक ऑल मोर फार्म बना लूँ, बिकॉज मेरे को गन पाउडर भी चाहिए और इन सब बिल्ड के लिए मेरे को चाहिए होगा शेल्टर बॉक्स। इधर नहीं बनाएंगे आई गेस, इधर सही रहेगा, उधर हाँ उधर ज़्यादा फ्लैट एरिया है, इधर शुरू करते अपने शवल का काम एंड यहाँ से धरेले से पूरा साफ करते हुए चलते हैं हम लोग। फाइनली हमारा एरिया बन चुका है एंड अब मुझे विलेजर्स को लेकर लाना है, बिकॉज ऐसे हम लोग को तो उसे ट्रेडिंग के लिए काम है ही, बट आयरन फार्म के लिए भी विलेजर की जरूरत पड़ने वाली है एंड ये साले को मैंने कब का फ्लेचर बनाने के लिए डाला था, बट ये अब जाकर बना है। खैर अभी मैंने इसे एरोज ट्रेड कर लिया एंड मैं अपना सारा आयरन को क्राफ्ट करके मैंने यहाँ पर बहुत सारा रेल्स बना लिया है एंड अभी रेल्स के थ्रू से लेकर चलते हैं। बहलो ये लग क्यों नहीं रहा, इस पर नहीं लगता भाई मेरे को, लॉल मेरे को आज पता चल रहा है इस पर नहीं लगता रेल्स, मेरे को लगा लग जाएगा। ओके अब यहाँ से लंबी लाइन बिछानी पड़ेगी, आई गेस 1.5 स्टैक लग ही जाएगा, मैं 1.2 स्टैक ऑलमोस्ट बना के लाया हूँ। ओके आजा बेटे आजा, मस्ती नहीं भाई, ये भाग ना जाए बस, ये इन लोग को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं पहले ही पूरा पैक कर देता हूँ। साले बैठ जा जल्दी बैठ। ओके फाइनली बैठ गया, ओ ये चल 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 निकल 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 जल्दी निकल जल्दी, मेरे नज़रों से दूर हो जा साले तू, उतना तो हाई नहीं है, मेरे को इसको पुश कर करके ले जाना पड़ेगा एंड कौन से ब्लॉक से वैसे मैं बाउंड्री करूँ, मेरे को बाउंड्री भी करनी पड़ेगी एंड मैंने सोचा कि मैं नेदर में जाकर वो नेदर फोर्ट्रेस का ब्लॉक नहीं होता है वही लूँगा, और उसके लिए मैं थोड़ा सा पोर्टल ब्लॉक चुरा रहा हूँ, सॉरी ऑब्सिडियन, पहले सो के रात करते हैं, मेरे को मिल नहीं रहा भाई, मैंने पता नहीं कहाँ डाल दिए वो सब बर्बाद कर दिए, थोड़ी देर मेरे को अपना एंडर चेस्ट तोड़ना पड़ गया। अब आई गेस हो गया है, अभी चलते हैं, ये वाले ब्लॉक्स मैं यूज़ करने वाला नहीं था, ये फोर्ट्रेस ब्लॉक ये वाले बहुत सारे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ ढेर सारे एंड मैं डीप स्लिप के ब्रिक्स यूज़ कर लूँगा और ये यूज़ कर लूँगा, बहुत अच्छा कंबाइन होगा। ओके डन ये सब कुछ, अभी इससे बाउंड्री करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, इससे एक्चुअली में अच्छा दिख रहा है भाई, मेरे को लगा था बट एक्चुअली में अच्छा दिख रहा है ये। ओके इसी से हम लोग बनाएंगे,
पूरी बाउंड्री में, इस वीडियो में मैं सिर्फ बाउंड्री करूंगा घर का, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। एक्चुअली इससे अच्छा भी लग रहा है। अच्छा तुम लोग को मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो। नेवर माइंड भाई, मिस इग्नोर करना उस चीज़ को। ये थोड़ा ग्लिच है जिसे हम लोग कोई भी चीज़ डुप्लीकेट कर सकते हैं बेडरॉक में बिना किसी आइटम के। तो या पर मैंने कसम खाई मैं इस चीज़ में यूज़ नहीं करूँ, मैंने वो फेंक भी दिया। मैं इस सीरीज़ में कोई डुप्लीकेशन वाली ट्रिक यूज़ नहीं करूँगा, वरना तो भाई मैं कुछ भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, लिटरली कुछ भी, गोल्डन एप्पल कुछ भी कर सकता हूँ। ओके इसे मैंने यहाँ पकड़ लिया है, अभी चल बेटा आगे चल, आगे चल, आगे चल। ओके फाइनली सर रेल में मैंने कलेक्ट कर लिया दूसरा बच्चा। ओ भाई साहब, ये बिल्ली को मैं तब से देख रहा हूँ, जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से मेरे आगे पीछे इधर उधर कर रही है। इसको पकड़ लूँ क्या मैं भाई? बिल्ली, इस बिल्ली पे दिल आ गया मेरा। अब ये बिल्ली मेरी होकर रहेगी भाई, भागना मत। इसे टेम करने के लिए मेरे को इसे फिश खिलाना पड़ेगा, बट पहले मेरे को इसे ट्रैप करना पड़ेगा। रुक जा, अभी ये बहुत भगाने वाली है। नहीं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसे पहले कॉर्नर में चलना होगा, उसके बाद इसे मैं पूरा डर्ट से पैक कर दूंगा। बट भाई कैट्स बहुत फास्ट होती है। बिल्लो रानी रुक जा, इसका नाम भी हो गया भाई, इसका नाम बिल्लो रानी रहेगा। आ जा। अबे यार ये बहुत भगाने वाली है भाई, रुक ही नहीं रही, कैसे पकड़ूँ मैं इसको। लेकिन भाई अब जिस चीज़ से मेरी नज़र पड़ गया वो चीज़ मेरी है, अब ना छोड़ रहा मैं भाई। कैसे किधर, गड्ढे में? नहीं गड्ढे में मैं मरी जाएगी, इसे पकड़ूँ मैं कहाँ पर? फाइनली इसे इतना बहुत पकड़ने के बाद स्टिल मैं से पकड़ नहीं पाया। बट जब मैं यहाँ पे माउंटेन पर आया तब मेरे को लामा मिल गया भाई, बिल्ली नहीं लेकिन लामा सही। भाई बिल्ली पकड़ने गया था, लामा लेकर आ रहा हूँ। ओके चुपचाप, मेरे को भी न्यू आइडिया सूझा है। प्लेन एरिया में इसे ऐसे, हाँ प्यारी बिल्ली, बिल्लो रानी बड़े प्यार से रखूँगा पूरी सीरीज में, बड़े मस्त रखूँगा। आ जा आ जा आ जा, आ गई। ये बात भाई, आरपीजी से नहीं बच सकती, आरपीजी से नहीं बच सकती। फाइनली से मैंने पकड़ लिया है, अभी इसके लिए शिप फिश लेके आना पड़ेगा। इसे यहाँ पर बंद रखते हैं, आई गेस ये डिस्पॉन नहीं होगी ना, होनी तो नहीं चाहिए वरना बहुत बुरा लगेगा। अभी फिशिंग रॉड बनाना पड़ेगा, इसके लिए फिशिंग करके मैं बहुत सारी फिश पकड़ के लाता हूँ, फिर इसे टेम करेंगे, उसके बाद तो भाई अपनी है ये, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। फिशिंग रॉड क्राफ्ट करते हैं पहले हम लोग भाई, बड़े दिनों बाद मैं फिशिंग करने जाऊँगा भाई। बेचारा विलेजर को मैं ऐसे ही रोक के रखा है मैंने, विलेजर सोच रहा है साले पहले मेरे को तो छोड़ देता है। ओके चल नदी में भाई फटाफट से। ओ भाई नहीं 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 भाई, ये मछली के चक्कर में मैं मरूंगा अभी भाई। जल्दी पहले किनारे पे आओ, अच्छा हुआ ड्राउन नहीं था वरना मैं ख़त्म था। और ये भाई नेम टैग मिल रहा है, लॉल मच्छी की जगह नेम टैग मिल रहा है, बट कोई नेम टैग भी काम की चीज़ है? वेट, आयरन फार्म में काम आएगा नेम टैग भाई, छोड़ो जितना टाइम वेस्ट मैं उसमें कर रहा हूँ, सब मैं खुद कूद गया मच्छी ना, मार लो अपने हाथों से साले, तू आ जा पहले, तेरा ही मनहूस। घुसने का बहुत शौक है इसको, सुम सुम से इंस्पायर्ड है, घुसने का बड़ा शौक है, घुसता बहुत है। मच्छी मिल गई, अभी लेके चलते हैं भाई। इधर गई बिल्लो रानी, आ जा अभी ठूस ले अच्छे सब कुछ। ये बात फाइनली अपने मैंने सपना बना लिया, अभी अपनी सारी बात मानेगी। अभी इसको बाहर निकालते हैं, अपने आप भाई मेरे पीछे पीछे आएगी। वेट हाँ अभी मस्त है, आ जा आगे आगे आगे, आजा आजा आजा, अपने को फॉलो करेगी अभी ये। हाँ ये बात भाई फाइन, बिल्ली को लास्ट में टेम करने वाला था, बिल्ली को मैंने पहले टेम कर लिया लॉल। इसे लेके चलते हैं भाई, ये बंदा अलग गाली दे रहा होगा कि भाई मेरे को रोक के रखा है साले। हाँ चलो इसे ले लिया, अभी इसके लिए ब्रेड का भी इंतजाम कर लेते हैं। फार्मिंग मैंने बहुत दिन से नहीं की थी, सारे फार्म्स मैंने वापस लगा दिए हैं। चल बेटा तू भी ले, तू कहाँ गया? इन लोग की मीटिंग करवानी पड़ेगी भाई, दो मैंने बुला दिया, दो से मैं 2000 भी कर सकता हूँ। ये ले तू भी ले, आजा आजा भाई उसके पास जा, चिपक थोड़ा तभी तो होगा, जा। अरे शर्मा मत, जा भाई जा, पिंकी और भूरू की भी शादी करनी बाकी है, दोनों भेर की मेरी, इन दोनों का तो अभी लगता हो जाएगा, शादी से पहले, शादी के बाद जो होता है वो शादी के पहले होगा। भाई कह गया बक रहा हूँ मैं, हाँ पीछे शुरू भी हो गया भाई। अब बच्चे ना देखे, बच्चे कृपया वीडियो को स्किप कर लिए 10-20 सेकेंड। अबे हटो जल्दी, तीसरा विलेजर कहाँ गया? आ गया आ गया भाई, फास्टेस्ट डिलीवरी है पर अमेजन फेल, फ्लिपकार्ट फेल। बच्चा भी गाली दे रहा होगा, खैर छोड़ो, अभी हम लोग आयरन फार्म बनाने पे फोकस करते हैं।
आयरन फार्म के लिए मैं बस कुछ आयरन फार्म उतने ब्लॉक्स लगेंगे तो नहीं, बट मेनली मैं बाउंड्री के लिए लेके आया था। बट जितने ब्लॉक्स बच्चे उससे आयरन फार्म बनाते हैं वही बेसिकली सिंपल वाले ही बनाऊंगा, बस थोड़ा सा अपना आइडिया लगा के। मैं इस बार थोड़ा सा हल्का सा अलग सोचने वाला हूँ, हल्का सा, उतना भी कुछ सेम नहीं। डिज़ाइन तो डिज़ाइन कैसे बना दो, मेरे को बस आयरन से मतलब है। वेट, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, पिकेक्स ही भूल गया भाई। पिकेक्स के बिना कैसे बनेगी, पिकेक्स तो मेन है। पिक किधर गई मेरी, पिक 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 पिक, इसमें रखी थी या इसमें रखी थी, इसमें, हाँ ये रही मेरी सिलिटस वाली पिकेक्स, पूरी टूट चुकी है। ये न्यू मैंने फॉर्चून 3 के लिए बनाई थी, बट अभी इसी से काम चला लेते हैं। भाई वाटर बकेट ना हो तो बिल्डिंग, अबे साले नहीं भाई। ओके ये बनाते हैं पहले, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल्का सा बड़ा बनाने वाला हूँ। इधर आयरन गोल में स्पॉन होंगे और मरेंगे लावा से, और ऊपर में हमें आयरन मिल जाएगा, और स्पॉन तब होंगे जब विलेजर डरेंगे। उससे पहले विलेजर को उधर ले जाना पड़ेगा। चल बेटा जा 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 जा, पुश कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ मैं, कर रहा था साले। अबे यार मेरे को पावर रेल बनाने पड़ेंगे, पुश करने से नहीं होगा, वो बहुत ऊँचा है। पावर रेल्स लगाने से मैंने अभी यहाँ पर रॉकेट क्राफ्ट कर लिए हैं, फर्स्ट फ्लाइट। ये बात, ओ भाई ये देखो तुम लोग को पूरा एरिया दिख रहा होगा कैसे मैंने फ्लैट किया है। यहाँ पर मैं किनारे में आयरन फार्म बना रहा हूँ। ये भाई कितने स्पॉन होंगे भाई, मेरे को लामा कलेक्ट करना वैसे ही पसंद है। आजा 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 भोंसरी भाई, जाओ भाई, जावा में अलग मज़ा आता है। अच्छा बेटे थूकेगा तू, मेरे पे थूकेगा, बाप पे थूकेगा, रुक जा, ये ले अब थूकते रहे, ले भाई थूक ले। हार मान गया बंदा, 2 सेकंड में हार मान गया कि बड़ा हरामी लौंडा, इस पर थूकने फ़ायदा नहीं है। अब इसको पकड़ के ले चलते हैं अपने कलेक्शन में, मिला लेते हैं भाई। ऐसे ही हरामी टिप्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। अच्छा बच्चू इधर, वैसे ये जाएगा, अगर ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, बड़े दिनों बाद ऐसी लंबी वीडियो आएगी। आई होप तुम लोग पूरा देखना। बाकी यहाँ पावर रेल लगाते हैं इधर, अबे भाई इधर नहीं लगना था, इधर लगाते हैं अभी पावर रेल से, ये फटाक से ऊपर स्पीड में। मैं दो ही विलेजर को अंदर ले जाऊंगा, फिर उन दोनों को मैं मीट करवा के तीसरा मेरा वापस से बना लूँगा। ओके जा जा जा, मस्त 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 स्पीड में जा भाई, रुकना नहीं है। हाँ नहीं नहीं बच गया, जा भाई। ओके डन, दूसरे को मैंने अभी, मैं दूसरे को भी मैं ले आया हूँ भाई, इन दोनों को ब्रेड खिला देंगे, तीसरा हो जाएगा। बाकी अभी मेरे को बस एनविल से नेम टैग को नेम देना है एंड जॉम्बी पकड़ के लाना पड़ेगा। ऐसे मैं नेम टैग अपने आप में अपना नेम टैग बचा सकता हूँ अगर कोई जॉम्बी ब्लॉक पकड़े तो, बट ऐसा बहुत रेयरली ही होता है बेडरॉक में भी। बट अभी नेम टैग से ही काम चलाना पड़ेगा, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। नेम टैग को पहले नाम देते हैं, हाँ ये नाम बेटर, ये नाम बेटर रहेगा। ओके अभी चलते हैं, अब यहाँ पर मेरे को रात होने का वेट करना पड़ेगा। वैसे मैं उसके ऊपर एक और लेवल बनाने वाला हूँ पानी का। वैसे वेट वेट, मेरे को एक चीज़ याद आया भाई, मैं भूल ही गया था सीरियसली। बच्चे तेरी माँ की, जल्दी 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 निकल, कोने में जा, कोने में, कोने में सुन मेरी बात, कोने में जा 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 जा, ओपी ओपी ओपी, जल्दी जल्दी जा जाते कोने में, एकदम चिपक के चिपक के चिपक के ओपी। भाई रात होने वाली है, इन लोग को बाहर छोड़ दिया ना जॉम्बी कच्चा चबा जाएंगे। अभी जस्ट मेरे को याद आ रहा है, वरना अभी रात होती जॉम्बी पकड़ के चक्कर में दोनों विलेजर मरते अभी। चलो उसको उसको मैंने उधर पैक कर दिया, ये भी पैक हो गया। चलो अभी अभी रात हुए दो, मैं अभी उड़ के इलाइट्रा से दूर जाता हूँ, अपने आप इधर स्पॉन हो जाएंगे सब। और बिल्लू रानी को अपने साथ रखूँगा ताकि क्रीपी क्रीपर्स ना हमारे पास आए। बाकी जॉम्बी तो दिख नहीं रहा, स्केलेटन से मुलाकात होगी, क्रीपर भी दिख गया, जॉम्बी ये रहा। अच्छा ब्लॉक ले, ले ब्लॉक ले, ब्लॉक ले भाई, पकड़ ले प्लीज़। अबे यार नहीं, वेट चेस्ट प्लेट पहनने दो, हेलमेट भी पहनने दो, ये थोड़ी सी फाइट होने वाली है इधर। अबे साले ओ मार हो गया भाई, मैटर हो गया मैटर हो गया मैटर हो गया। अबे स्केलेटन बीच में आ जाएगा भाई, इसको मार भी नहीं पाऊंगा मैं उधर, वो निकालनी पड़ेगी। बेटा मेरा एक एरो लग गया तो ख़त्म है, बहुत मार रहा है साले अर्नब के, चू गया एक शॉट में। और तू भी निकल, इधर भी है एक जॉम्बी, इसको भी ब्लॉक देते हैं, क्या पता कलेक्ट कर ले भाई। प्लीज़ मेरा नेम टैग बच जाएगा, मैं बिल्लू रानी के लिए नेम टैग बचा रहा हूँ, उसे नेम टैग। अबे नहीं क्रीपर बहन को ना भाई, जॉम्बीज नहीं आ रहे, जॉम्बी को छोड़ के आज सब आ रहे हैं, ऐसे जॉम्बी पड़े रहते हैं, आज जॉम्बी को छोड़ के सब कोई आ रहा है। दो दो इसको स्केलेटन से मेरे को सख्त नफरत है, सख्त नफरत स्केलेटन से। बे बहन के, मेरे पास डायमंड और चेस्ट प्लेट, मेरे पास प्रोटेक्शन 4 लगा है,
इसलिए बच जा रहा हूँ, बट अब मैंने पहनी नहीं है। जॉम्बीज ये रहे इतने सारे, पूरा खानदान आ गया एक बार में। कोई तो कलेक्ट करो भाई, कोई नहीं कर रहा कलेक्ट। अब मेरे को कार्ड से ले जाना पड़ेगा, अब नेम टैग देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसको मैंने बैठा दिया है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, फिर इसको मैं बाद में नेम टैग दे दूँगा। चल बेटा जा ऊपर जा, बस अब इसको नेम टैग दे देंगे, इसको पूरा पैक कर देते हैं। ये अबे साले, ये जब डराएगा विलेजर को, जब विलेजर डरेंगे और ऊपर आयरन गोलम स्पॉन होगा, हमारे झांसे में आएगा, लावा से मरेगा, आयरन होगा हमारे पास। सिंपल, दैट्स हाउ आयरन फार्म वर्क। हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका आयरन फार्म, एंड फाइनली वर्किंग भी कर रहा है। ये स्पॉन हुआ भाई, स्पॉन हुआ, जल रहा है। ये पिया ये बात भाई, पहली बार थोड़ा अपना अलग डिज़ाइन किया है मैंने, ऊपर वाला चीज़ थोड़ा। ओके मैंने आयरन फार्म बना दिया, अब लास्ट बचा हमारा मॉब फार्म। ठीक है, मॉब फार्म बहुत सिंपल है, बट उसके लिए हमें थोड़ी माइनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए पिक को अच्छा बनाना पड़ेगा। एफिशिएंसी 4 मिल गया फाइनली, डन। अभी देखो जो सिंपल हमारा मॉब एक्स फार्म होता है, मैं वही डिज़ाइन अंडरग्राउंड बनाने वाला हूँ, थोड़े बड़े लेवल पे, फुल अंधेरा करके। तो बेडरक में ये काम करता है, एंड इससे सारे मॉब स्पॉन होंगे। मैं कारपेट नहीं लगाऊंगा तो क्रीपर भी नहीं, क्रीपर स्पॉन होगा, सबको स्पॉन होने वाला है। डन, एरिया खाली। अभी एक सामान छूट रहा है, वो भी लेकर आते हैं। अबे ये क्या हुआ, अबे लॉल भाई लॉल, चिपक गया मैं इधर अंदर। घेरा कर देंगे, चार रास्ता हमें बनाना होगा, एक इधर से एक उधर से। सारे बंदे पानी में गिरेंगे एंड सेंटर में आके मरेंगे। ओके थोड़ा बहुत भाई, ये एमरल्ड की ओर मेरे को बहुत सारे मिल रहे हैं, ये एक्चुअली रेयर है भी कि नहीं, मेरे को 3-4 ऐसे ही मिल गए सीरीज में। अभी नीचे ले चलते हैं इसको। ओके डन, अभी बारी है ट्रैप डोर लगाने की, ताकि ट्रैप डोर से बंदे गिरे, वरना गिरेंगे ही नहीं। ऐसे मैं यहाँ पर दो मोड बनाने वाला हूँ। एक मोड में जब मैं ऑन करूँगा लीवर, तो मैं मॉब्स को मार के एक्सपी ले सकता हूँ, और जब मैं नहीं होऊंगा तब लीवर दबाऊंगा और ऑटो मोड ऑन हो जाएगा, जिससे अपने आप मरते रहेंगे और मुझे सामान मिलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वुड भी चाहिए होगा चेस्ट के लिए, बहुत सारा चेस्ट लगेगा उसमें। तो ऐसे बेसिकली सिस्टम ये है कि यहाँ पर सामान सेलेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर मॉब गिरेंगे, मैं उन्हें मारूंगा, एक्सपी मिल जाएगी और सामान भी मिल जाएगा। बट जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा, तब उस चीज़ के लिए एक आइडिया है, यहाँ पर मैं लगा दूंगा पिस्टन। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा, मैं लीवर दबाऊंगा, पिस्टन जो है वो होपर को खींच देंगे, एंड वो डायरेक्ट और नीचे गिरेंगे और फुल्ली ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर एक हर्ट पे बचेंगे तो मैं मार के एक्सपी ले लूँगा, बट जैसे ही यहाँ पर ये मारेंगे पिस्टन से हटेगा, तो वो फुल्ली मर के सामान मिल जाएगा। मैं जब नहीं भी रहूंगा तो ये फार्म काम करता रहेगा। अंधेरा है तो ऑब्वियसली मैं नहीं भी रहूंगा तो ये स्पॉन होते रहेंगे। AFK वाला फार्म नहीं है, बेडरॉक में ये फ़ायदा बहुत है, जावा में तुम्हें AFK करना पड़ता है। ओके फाइनली मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, और यहाँ पर हमारा आयरन फार्म भी मैं तब से देख रहा हूँ, तब से चल ही रहा है। आयरन गोलम आ रहे हैं, देखते हैं कितना कलेक्ट हुआ है इसमें, देखते हैं हमारा आयरन फार्म भी कितना डन हुआ है। चल भाई अभी जाओ ऊपर, क्या ग्लिच है, कितना हुआ है भाई साहब। ओ भाई इतना सारा आयरन भाई साहब, अमीरी अमीरी देख रहे हो भैंश, सॉरी। अभी चलते तुम, मैं ये नीचे ये भी दिखा देता हूँ हमारा मॉब फार्म। यहाँ मैंने ऐसे लेटर बना दिया है, और इस तरफ डायरेक्ट नीचे आने के लिए मैंने वाटर लगा दिया है। इधर से वेट, मुझे यहाँ पे ये ब्लॉक हटाने पड़ेंगे वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके यहाँ मैंने थोड़ा बहुत स्टोरेज का भी सिस्टम रखा है, एंड यहाँ पर ये देखो भाई मॉब्स आना भी शुरू हो गए, एंड जैसे ही मैं ये लीवर दबाऊंगा पिस्टन होपर को खींचेंगे और डायरेक्ट मर के गिर जाएंगे, और जैसे ऑफ करूंगा XP वाला एरिया ऑन। ऐसे ये वर्क करता है बहुत OP तरीके से। तो मर जाए तो मर जाए, XP मिल जाएगा। और भाई यहाँ पर भी देखो मेरे कितने सारे एमराल्ड कोर मिल रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा कलेक्टिंग सिस्टम है, अंधा सामान मिलने वाला है भाई, देख लो आयरन तक मिल गया लॉल। यहाँ रॉटन फ्लैश, बोन, गन पाउडर, एरो सब मिलेगा भाई, बहुत माल है अपने पास। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई बचता भी है तो मैग्मा ब्लॉक से मर जाएगा, ऐसे मैंने सिस्टम बना रखा है। और यहाँ पर इतने सारे आयरन है, इन सबको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा स्टोरेज भी बचेगा और थोड़ी अमीरी भी हो जाएगी भाई, सब मज़ा आ गया। बाकी इस वीडियो के लिए तैयार देते हैं, मैंने बहुत कुछ किया, आयरन फार्म बना लिया, ऑल मॉब फार्म बना लिया, इतना कुछ किया। नेक्स्ट वीडियो में शायद से मैं अपने लिए घर भी बना लूँ, एंड बाकी या अगर तुम लोग वीडियो एंड तक देख रहे हो तो भाई प्लीज़ ये कोड तुम लोग को दिख रहा हो कमेंट करो, ताकि मैं जान पाऊँ इतने अच्छे सब्सक्राइबर मेरे पास हैं। बाकी मैं तुम लोग से मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।